तो बैंकिंग के सेक्टर में आप थे इससे पहले जी, और फिर एकाएक आप फार्मिंग के क्षेत्र में आ गए, अटपटा लग रहा है हमको तो अच्छा लग रहा है। ओवरऑल आप फार्मिंग से कितना कमा रहे हैं? वही 70-80 हज़ार रुपया महीना हो जाता है। 70-80 हज़ार रुपया महीना का कमा रहे हैं इससे। दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिले में हैं अभी इस वक्त, और यहाँ पर एक ऐसे युवा किसान की कहानी लेकर के आए हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक की गोद में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये डक फार्मिंग भी करते हैं, सोनाली मुर्गी पालन भी करते हैं यहाँ पे, और फिश फार्मिंग भी करते हैं। तो पूरी कहानी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी, आप सभी को समझने को मिलेगी। 5 वर्षों का अनुभव है इनके पास। चलिए बातचीत करते हैं, समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। मेरा नाम मुकेश सहनी हुआ जी। मेरा ब्लॉक सररंजन पड़ता है, थाना भी सररंजन पड़ता है जी। जो मेरा डॉग फार्मिंग है जो 5 से 6 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा, 5 से 6 साल से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा भव्य एकदम विस्तार रूप अपना फार्मिंग का दे दिए हुए हैं। तो कितना तालाब, कितना एकड़ में आप किए हुए हैं यहाँ पे? जैसे 4 एकड़ में तालाब है। 4 एकड़ में तालाब है आपका। तो ये शुरुआत कब हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को? शुरुआत 5 साल पहले किए थे जी। जी, पहले मेरा बैंकिंग चल रहा था, CSP हम चला रहे थे। CSP चलाते चलाते ये थोड़ा मन में हमको ये हुआ से हम कुछ करे आगे चल के, डक फार्मिंग चाहे ये करे जी। तो देखे वीडियो में देखे और आदमी सबसे संपर्क किए, संपर्क करने के बाद जानकारी हुआ, तो जानकारी करने के बाद डक फार्मिंग हम चालू कर दिए। अच्छा, चालू कर दिए, प्लस में बच्चा का जो चिक्स होता है जी, जी वो भी हम निकालना चालू कर रहे हैं। अच्छा जी, तो डक फार्मिंग जब आप शुरुआत किए सर, कितने सालों पहले की कहानी है ये? 5 साल पहले की कहानी। 5 साल पहले की कहानी है। तो उस समय छोटे स्तर से शुरुआत किए होंगे? हाँ, छोटे से था। अच्छा, कितना जगह में उस समय आप तालाब वगैरह खुदवाए? वो 10 कट्ठा में था। 10 कट्ठा में, और उसमें कितने आप डक डाले? वो 1000 डाले थे। 1000 बार डाले उसमें। अच्छा, तो डक फार्मिंग में जैसे क्या क्या चुनौती आपको देखने को मिला जब शुरुआत आप किए उस समय से लेकर के अभी तक में? सर बहुत सारा चुनौती के पार करने के बाद इतने मुकाम पर हम आए हैं ना। उसके बाद 2000 मेरा अभी डॉक भी है, उसमें अंडा प्रोडक्शन भी चालू है। अच्छा अच्छा, अंडा मेरा जा रहा है नेपाल, प्लस में हैचरी में जा रहा है जी। तो चुनौती क्या क्या देखने को मिला ये थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। चुनौती देखने के लिए यही मिला से मेरा डॉक फार्मिंग करते करते जब सोच रहे थे से मेरा अंडा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बच्चा जो अंडा मेरा प्रोडक्शन होगा वो कहाँ बेचेंगे, ये सब चुनौती को पार करते हुए जब मेरा क्लियर हुआ, क्लियर करने के बाद जब संपर्क हुआ आदमी से नेपाल अंडा जा रहा है, हैचरी में अंडा जा रहा है, तो हम क्लियर पूरा हो गए से मेरा अंडा सेल हो जाएगा। तो जैसे शुरुआत में होता है कि जो भी किसान इस क्षेत्र में आते हैं, डक फार्मिंग हो गया या गोट फार्मिंग हो गया या पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, किसी भी क्षेत्र में अगर किसान फार्मिंग के लाइन में जब आते हैं शुरुआत में, तो उनको चुनौती सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो हमारा किस जगह पे सेल होगा, हमारा सही रेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो आपको उस समय क्या क्या देखने को मिला, क्या सही रेट में जा रहा था उस समय कि उसमें भी उस समय उस समय हम सही रेट में दे रहे थे? सही क्या रेट में उस समय दे रहे थे? उस समय 9-10 रुपया चल रहा था। 9-10 रुपया। अच्छा, अभी क्या रेट में आप बेच रहे हैं? अभी 10-11-12 रुपया चला जाता है। 2000 बर्ड है आपके पास अभी जी? अच्छा, तो 2000 बर्ड में कितना पर डे का एक प्रोडक्शन हो रहा है आपका? 2000 वर्ड में 1000 पहला नंबर डाले थे, दूसरा नंबर 1000 डाले थे। जो 7 महीना हो चुका है एगो वर्ड का, एगो का 4.5 महीना हुआ है जी। जो 1000 वाला है वो अभी 500-600 अंडा आ रहा है, और जो 4.5 महीना वाला है वो अभी प्रोडक्शन नहीं चालू किया है, 4 महीना हुआ है, वो चालू करने ही वाला है। अच्छा, तो उसका अभी प्रोडक्शन नहीं आ रहा है जो 4 महीने वाला है, और जो आ रहा है उसमें 1000 बर्ड में कितना बर्ड का टोटल एक प्रोडक्शन आ रहा है टोटल पर डे का? पर डे का 500-600 आ जाता है। 500-600 आ रहा है। तो उसको आप कहाँ बेच रहे हैं? अंडा मेरा नेपाल जा रहा है, प्लस में हैचिंग में जा रहा है। अच्छा, आपका हैचरी भी है जी। हैचिंग करके जो लोग किसान आसपास के होंगे उन लोगों को देते भी हैं क्या? जी, जी, तो आपसे कितने किसान यहाँ पे जुड़े हुए हैं? लगभग किसान 200-500 ऐसे आदमी नाता है, 100-200 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो आपसे चिक्स लेते भी होंगे जी, अंडा भी लेते होंगे जी। अच्छा सर, ये बताइए जो ये जो आप तालाब ये जो दिख रहा है, ये तालाब में इधर से जाने का रास्ता है क्या? नहीं, अच्छा, नहीं, नीचे से जाने का रास्ता है। कितना एरिया में है ये? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में ये पूरा आपका तालाब है जी। इसमें कौन सा सर आप क्या डाले हुए हैं? मछली भी डाले? मछली भी डाला हुआ है। अच्छा,
मछली में क्या क्या अभी डाले हुए हैं, कौन से मछली डाले हुए हैं? ग्लास काट घास, ग्लास काट हुआ, रोहू हुआ, कतला हुआ, बिकेट हुआ, ये सब डाला हुआ है। ये सब डाला हुआ है इसमें जी। अच्छा, तो इससे भी कुछ आ रहा है आपका अर्निंग? हाँ, अर्निंग आ रहा है। क्या कुछ इससे आ रहा होगा अभी? इससे अभी सर ये नया नया हम पोखर खुदवाए हैं, नया नया पोखर खुदवाए हैं, वो पहले था, और ये सब नया नया अभी जीरे हम इसमें डाले हैं। अच्छा, इसमें अभी जीरा डाले, मछली ये डाले हैं। अच्छा, इसमें। तो इसमें कितना कॉस्ट लग गया आपका टोटल ये बनाने में, 2 एकड़ में? लगभग लगभग 4 लाख रुपया लगा है। 4 लाख रुपया ये तालाब खुदवाने में लग गया। साइड से ये मिट्टी अलग से ही मंगवाए थे क्या? इसी का मिट्टी? इसी का मिट्टी है। इसी का मिट्टी इसमें डाल दिए चारों तरफ। ये जो आप दिए हुए हैं ये पन्नी है ना? पन्नी है, जो जो पानी आएगा ना से मिट्टी जो भासता है पानी आने से, इसके लिए लगाया गया। इसके लिए लगाए हैं, साथ साथ में बोरी में मिट्टी भर के दिए हुए हैं, है ना? बोरी में मिट्टी भर के दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या प्रोडक्शन होने की अनुमान है सर? इसमें प्रोडक्शन होने की अनुमान है, देखिए जीरा तो अभी डाले हैं, अब उस पर निर्भर करता है कितना मछली बचता है कितना नहीं बचता है। कितने दिनों बाद ये तैयार होगा? ये 6 महीने में तैयार हो जाएगा। 6 महीने लगेगा इसमें? अच्छा, 1.5 kg 2 kg साइज होगा। 1.5 kg 2 kg होने में 6 महीने लगता है। तो आपके यहाँ फिश फार्मिंग का किस तरीके का मार्केट है, कैसा देखने को मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मार्केट है सर। अच्छा मार्केट है। अच्छा, तो फिश फार्मिंग में कहते हैं कि लोग जब तैयार होता है उस समय सही रेट नहीं मिल पाता है, इन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, रेट सही ना मिलने के कारण लोग काफी किसान भाई परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं, मछली का रहता है ना सर, मछली का सब दिन डिमांड रहता है, सब दिन रेट रहता है मछली का। मछली का रेट कभी भी, कभी 2-4 रुपया घट भी जाता है, कभी 2-4 रुपया बढ़ भी जाता है, लेकिन रेट सही रहता है। अच्छा, बैंकिंग के सेक्टर में आप थे इससे पहले, और फिर एकाएक आप फार्मिंग के क्षेत्र में आ गए, कुछ अटपटा लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। यही रीजन है जो बैंकिंग क्षेत्र में एक ठुमन बैठे रहना बोर हो जाते थे, आई लाइन में आने के बाद हर हर जगह जाना पड़ता है, बड़ा बड़ा आदमी से मिलना पड़ता है, हर जगह फार्मर से मिलना पड़ता है। हम बहुत अच्छा से अथी कर रहे हैं। भी रहा है यहाँ पे कि प्राकृतिक के गोद में आप बैठे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली है, उसके बीच में आप शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये पूरा आपका यहाँ पे ऑफिस वगैरह है, ये फार्म है आपका इधर, है ना? तो इसमें डग वगैरह रखे हुए हैं, इसमें 2000 डग इसी में रखे हुए हैं ना? जी जी। अच्छा, 2000 बत्तख इसी में रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसको बनाने में कितना कॉस्ट आपका लगा सर, फार्म बनाने में? 2.5-3 लाख रुपया लगा। 2.5-3 लाख रुपया इसमें लगा? अच्छा, तो 2.5-3 लाख रुपया में ये कितने एरिया में आपका फार्म बन गया? 130 फीट लंबाई है। अच्छा, और 25 फीट चौड़ाई है। 130 फीट लंबाई है जी। अच्छा, 25 फीट चौड़ाई है जी। तो डग फार्मिंग में भी पंखा वगैरह का जरूरी पड़ता है क्या? जी जी, कभी कभी जरूरी पड़ता है, जो गैस गर्मी वैसा आ जाता है तो जरूरत पड़ जाता है। अच्छा, तो ये पंखा भी आप लगाए हुए हैं यहाँ पे, और ये आप ड्रिंकिंग, आप यहाँ पे आप पाइप वगैरह भी लगाए, पानी की ऑटोमेटिक सुविधा इसमें दिए हुए हैं, तो इन सभी को भी पानी पीने के लिए इसमें दे देते हैं। दाना वगैरह इसमें क्या देते हैं अभी आप? दाना अभी एक पल्ली बिछा देते हैं, उस पे दाना हम दे देते हैं। अच्छा जी, किसमें दाना देते हैं? पल्ली जो बोरा होता है जी जी, ये रखा हुआ है, वो सब पल्ली बिछा देते हैं, उस पे दाना दोनों तरफ से डाल देते हैं। दोनों तरफ से डाल देते हैं इसमें। तो अब बहुत अच्छा मजा आ रहा है इसमें काम करते जी, काम करते हुए मजा आ रहा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी तो इसमें दाना वगैरह आप जो खिला रहे हैं, 2000 बर्ड में कितना दाना पर डे का खिला रहे हैं? पर डे का मेरा 1.5 क्विंटल दाना चल रहा है। 1.5 क्विंटल? अच्छा, इन्हें का लगभग 45 क्विंटल के आसपास है ना? 45 क्विंटल के आसपास आप पर महीने में दे रहे हैं। इसमें 45 क्विंटल जो आप पर महीने का आप खिला रहे हैं, इसमें क्या कॉस्टिंग वगैरह आ रहा है? जैसे दाना का अगर बात किया जाए तो कितना खर्चा आ जा रहा है इसमें? देखिए सर, एक बत्तख को जो 100 ग्राम जो दाना हम देते हैं, अगर एक बत्तख एक दिन में हमको अंडा देती है तो 11 रुपया का अंडा देती है जी। हमको खिलाना होता है 3 रुपया का दाना, तो उसमें जोड़ लीजिए कॉस्टिंग कितना, 3 रुपया कॉस्टिंग आया, और 7-8 रुपया ऐसे बच जाता है कॉस्टिंग काटने के बाद। कॉस्टिंग काटने के बाद 7-8 रुपया बच जाता है एक वक्त तक पे। चिक्स का क्या रेट है आपके यहाँ? चिक्स का मेरे यहाँ रेट 3500 रुपया है, 4000 रुपया है, कभी रेट बढ़ता है कभी कम जाता है। अच्छा, घटते बढ़ते रहता है? हाँ, घटते बढ़ते रहता है। हैचबिलिटी जैसा आएगा वैसा रेट रहेगा।
अच्छा, तो जैसे हमारे जो नए किसान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे आपको देख करके शुरुआत करना चाहेंगे, ठीक ना? ऐसे सोनाली का मेरा फार्मिंग है, सोनाली भी आपका बर्ड है जी। तो सोनाली भी आप करते हैं और इसको भी करते हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं साथ साथ, तो उसी तालाब में इसको आप डालेंगे फिर अलग डालेंगे इसको? इसको ये तालाब में डालेंगे। अच्छा, इसी तालाब में? इसके तालाब में मछली नहीं डालेंगे? मछली डालेंगे। मछली डालेंगे? हाँ, मछली रहेगा, बत्तख भी रहेगा। अच्छा, इससे मछली का प्रोग्रेसिंग अच्छा होता रहता है। अच्छा, नीचे मछली रहेगा, ऊपर में बत्तख रहेगा? बत्तख रहेगा। बत्तख मछलियाँ को नहीं खा जाएगी? नहीं खाएगी। नहीं खाएगी, कैसे? वो जैसे मछली जो है ना, मछली को एगो नहीं पकड़ती, उतना पानी में अंदर जाएगी तब ना वो पकड़ेगी। मछली तो अंदर में रहती है, बत्तख तो ऊपर ऊपर तैरेगी, मछली कैसे पकड़ लेगी? नहीं पकड़ती है। तो दोहरा फार्मिंग एक जगह पे हो जाएगा जी, एक ही तालाब में आपका बत्तख भी पालन? हाँ, हो रहा जैसे है? ऐसे होगा, मछली ऊपर से रहेगा तो मेरा पानी का पानी एनी टाइम चलता रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा। दूसरी बात है, ये गंदगी जो करेगी वो टोटल मछली खाएगी। नए किसान भाई हमारे जो जुड़ेंगे इस क्षेत्र में आएंगे, उनको किस तरीके से करना चाहिए? उसको सर, नए किसान के लिए पहला नंबर चिक्स लेगा। चिक्स लेने के बावजूद ये तो प्री स्टार्टर खाता है। दूसरा नंबर कोस्टिंग कम के लिए हम उसको पूरा अथि रखे हुए हैं, जो उसको अपने आप कोस्टिंग कम हो जाएगा, वैसा तरीका हम बताते हैं। ऐसा डिटेल है, जैसे एक 15 दिन प्री स्टार्टर खिलाते हैं जी, उसके बाद 15-20 दिन स्टार्टर खिलाते हैं, उसके बाद ग्रोबल में चला जाता है। ग्रोबल में जाने के बाद हम मकई का दर्रा हुआ, चिवरा का खुदी हुआ, चावल का खुदी हुआ, ये सब स्टार्टिंग करा देते हैं, क्योंकि कोस्टिंग किसान भाई को कम आएगा, हो जाएगा। इसमें हरा चारा वगैरह भी दिया जा सकता? हाँ, हरा चारा दिया जा सकता। हरा चारा पे तो कहा जाता है कि हरा चारा, जब भी आप चाहेंगे हरा चारा लगा सकते हैं। हाँ, हरा चारा काट के इसको दे सकते हैं, तो दे उससे तो कोस्टिंग आपका कम जाएगा। उससे भी कोस्टिंग कम हो जाता है। इस तरीके से आप नहीं करते हैं क्या? उस तरीके से शुरुआत में कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, खास तौर पे इनमें बीमारियां क्या क्या देखने को मिलता है? बीमारी तो अभी तक नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं बीमारी। अच्छा, इसके वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर आप करते होंगे? हाँ, प्रॉपर करते हैं। क्या वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं? वैक्सीनेशन जैसे महीना डेढ़ महीना पर कर देते हैं, इससे भी नहीं आता है सर, बीमारी इसमें नहीं आता है। वैक्सीनेशन नहीं हो पड़ेगा तो बीमारी नहीं आएगा इसमें। तो अभी मछलियाँ कौन कौन सा ये तालाब में, बड़े वाले तालाब में जो है मछलियाँ कौन सा डाले इसमें? रोह, कतला, ग्लास काट, बीकेट, नैनी। अच्छा, सब? अच्छा, वो सब इसमें डाले हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि आप बाउंड्री भी किए हुए, तो काफी अच्छा खासा आपका लागत लग गया होगा जी। अच्छा, कितना लागत उसमें लग गया होगा? इसमें 10 लाख रुपया लग गया है सर, इसमें ये बाउंड्री करने में सब में। अच्छा, सब लेकर के? अच्छा, तो ये तालाब में आप जो मछलियाँ डाले हैं वो कब निकलेगी इसमें से? इसमें से एक बार निकाल चुके हैं और 2-3 महीना बाद फिर निकलेगी। 2-3 महीना बाद निकलेगी। और ये सब क्या रखे हुए हैं इसमें? ये सब डब्बा उब्बा है, जो बत्तख के दाना पानी पड़ता था। अच्छा, इसी में आप दाना वगैरह देते थे, वो पानी एक्सपायर कर गया है ये सब, है ना? अच्छा, तो इसमें आप जो तालाब में मछलियाँ, इसमें कितने डाले हुए हैं? 10,000 पीस डाला हुआ है। 10,000 पीस डाले हुए हैं। इधर भी आप एक फार्म बनाए हुए हैं साइड में जी जी। अच्छा, उधर जाने का क्या रास्ता है? उधर से है, उधर से रास्ता है। अच्छा, तो वो कितने एरिया में फार्म आपका? वो भी 140 फीट होगा लंबा। 140 फीट वो भी है, दोनों तरफ 140 फीट दोनों तरफ आप फार्म बनाए हुए, बीच में आपका ऑफिस का सेटअप है जी। अच्छा, ऊपर भी फार्म है। मछलियों को क्या क्या खिलाने के लिए अभी दे रहे हैं? अभी मछली वही तोरी का खली उली दे रहे हैं। तोरी का खली वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, हार्वेस्टिंग कब करेंगे? 2-3 महीना में। 3 महीना बाद में। क्या रेट मिलेगा मार्केट में आपको? 220-230 जाता है। 220-230। अच्छा, 220-230 के रेट में। और क्या कॉस्टिंग आता है जब आपको पूरा तैयार करने में? कॉस्टिंग बहुत कम आता है सर। क्या कॉस्टिंग आता है? कॉस्टिंग वही एक फीस पे पड़ जाता है, 50-60 रुपया पड़ जाता है एक फीस पे। 50-60 रुपया। कम कॉस्टिंग कैसे आ रहा है आपका? कॉस्टिंग जैसे तोरी के खली उली दे रहे हैं प्लस में, और जो चारा उरा होता है वो फेंक देते हैं, चारा वगैरह दे देते हैं, हरा चारा वगैरह, हरा चारा। अच्छा, पाउंड फिश फार्मिंग करने में ये एक फायदा है, और जब आप बायोफ्लॉक करेंगे तो उसमें ज्यादा कॉस्टिंग गिरेगा, है ना? पाउंड फिश फार्मिंग करने में आपको बेनिफिट ये नजर आता है कि आपका कॉस्टिंग, फीड कॉस्ट काफी कम जाता है ना? जी, जी, जी। जैसे इसमें हम गोबर भी डालते हैं और खली भी डालते हैं, परमोटा खली डाल देते हैं, प्लस में हरा चारा देते हैं जी, जी। ये सब से मेरा कॉस्टिंग कम हो जाता है। अच्छा, हरा चारा वगैरह भी जी, देते जी। हैं, इससे आपका कॉस्टिंग कम हो जाता जी, है जी, जी। अच्छा, इधर भी आप रखे अंडे वगैरह रखे हुए हैं ना? हाँ, अंडे। अच्छा, हाँ। तो यही अंडा अभी निकला है? अच्छा, फिर कब निकलेगा? फिर कल निकलेगा। कल निकलेगा जी। ये बत्तख का अंडा है और देख सकते हैं
और ऐसे ही हैचरी चला जाएगा या इसको साफ सफाई किया जाएगा क्या? नहीं नहीं ऐसा ही चला जाएगा। ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा, तो ऐसे ही हैचरी में चला जाएगा। और कितने दिनों बाद ये फिर आपका चिक्स निकलेगा तैयार होगा? 28 दिन में तैयारी होता है। 28 दिन में तैयार हो जाएगा। तो चिक्स वगैरह जो भी किसान भाई देख रहे हैं उन लोग आपसे ले सकते हैं? हाँ। अच्छा, चिक्स भी देते हैं, सप्लाई भी कर देते हैं। आस पड़ोस के जो भी किसान है उनको आप देते हैं? अच्छा, दूर दूर कहाँ कहाँ तक आप चिक्स अवेलेबल? मेरा सहरसा, सुपौल, यूपी, हर जगह जाता है। मैंने बिहार का लगभग एरिया, उत्तर प्रदेश में भी भेजते हैं। इधर सर आप क्या बनाए हुए हैं? इधर दाना का गोदाम है। अच्छा, दाना का गोदाम है जी। इसमें दाना वगैरह आप रखे हुए हैं? जी जी। अच्छा, ये दाना का बोरी वगैरह रखे हुए हैं जो भी स्टॉक है। इसमें क्या है सर? इसमें धान है। अच्छा, धान भी खिलाते हैं? धान भी पड़ता है। अच्छा, धान भी खिलाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे धान भी रखे हुए हैं और धान भी खिलाते हैं। धान खिलाने से क्या फायदा है सर? धान से अंडा का जो प्रोग्रेसिंग है ना वो अच्छा करती है। अच्छा अच्छा, अंडा ज्यादा ज्यादा देती है? ज्यादा देती है। दाना जो बत्तख का पड़ता है ना इसमें 20-30% हम धान दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद दाना दे देते हैं। अच्छा, तो जैसे 1000 बर्ड पे इसका क्या परसेंटेज होता है, कितना परसेंट आपका अंडा निकल रहा है उससे? उससे 80% तक मेरा अंडा निकला है। 80%, 1000 का मतलब 80%, तो 800 अंडा करीब करीब। अच्छा, तो अभी आपका कम का है? अभी कम है, थोड़ा मौसम जो चेंज हुआ है ना इसीलिए थोड़ा कम गया है। कम गया है। अच्छा, बाकी चिक्स आपके यहाँ क्या रेट में बिक रहा है? चिक्स मेरा ये है 35-37 रुपया, कभी 40 रुपया पहुंच जाता है। अच्छा, तो आप सोनाली का भी उसमें आप डालते होंगे? जी जी। अच्छा, सोनाली का भी प्रोवाइड कराते हैं? जी जी, सोनाली का भी प्रोवाइड करवाते हैं। सोनाली का मेरा दूसरा फार्म है जी। तो कितने दिनों में ये चिक्स तैयार होता है? सोनाली का? सोनाली का 21 रोज में होता है, और बत्तख का जो होता है 28 रोज में होता है। 28 दिन में होता है। अच्छा, तो हर एक 28 दिन बाद फिर आपका निकलने का, एक हैचरी से निकलने का आपका पूरा एकदम रूटीन बना हुआ है, इस तरीके से आप काम करते रहते हैं, है ना? तो ये ओवरऑल आप फार्मिंग से कितना कमा रहे हैं? वही 70-80 हजार रुपया महीना हो जाता है। 70-80 हजार रुपया महीना का कमा रहे हैं इससे। अच्छा, पोल्ट्री फार्मिंग जो आपका फार्म है उससे इंक्लूड करके कि अलग? उससे इंक्लूड करके, दोनों लेकर के। डक फार्मिंग इधर तालाब है और उधर ये तालाब का, तो हर साल आपका हार्वेस्टिंग तालाब से होगा, उसी समय आपका अच्छा खासा निकलेगा पैसा। अच्छा, ओवरऑल इन सब चीजों से जो है आप लगभग 80 हजार के आसपास कमा रहे हैं हर महीने का। अच्छा, तो एक अच्छा खासा इनकम हो रहा है जी यहाँ पे, है ना? लागत टोटल की बात की जाए तो टोटल लागत कितना होगा अभी तक आपका? 10-12 लाख रुपया लागत। 10-12 लाख रुपया टोटल लागत आपका लग गया होगा जी। अच्छा, तो ये जो सेट बनाए ऊपर में सर, आप सेट ये दिए हुए हैं करकट वगैरह का, इसमें दिए हुए हैं क्या? टीन सेट दिए हुए हैं? टीन सेट दिए हुए हैं। इसमें अगर सर आप ऊपर में करकट वाला सेट दे देते तो और ज्यादा बेहतर होता ना, इसमें फटने का चांस बढ़ जाता है। इसमें पहला नंबर छप्पर दिया हुआ है इंकरी वाला, उसके बाद उस पे दिया हुआ है। इसमें हीटिंग का समस्या ना हो, गर्मी ना हो, है ना? हीटिंग नहीं हो, गर्म नहीं हो जी। अच्छा, तो मुकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतने अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई भी सवाल रह गया होगा तो बेहिचक दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुकेश भाई से बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।